वो फिर चले गए। अब टीम जो है वो अली तरीन और उनके साथी एक कंसोर्शियम ने मिलकर ले ली है। आप मुल्तान सुल्तान को कहाँ देखते हैं? पिछली दफ़ा अशरफ मलिक वहाँ से गए, आप पेशावर में चले गए, इस मरतबा लाला शाहिद आफरीदी जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम में शामिल है। मोइन अली को उन्होंने पहली मरतबा मोइन अली की एसएल में एक्शन में नजर आएंगे। मोइन अली, शान मसूद और दीगर, इस कॉम्बिनेशन को आप कहाँ देखते हैं? देखें बज़ाहिर ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, यू नो, बट अगेन आई सेड कि भाई टीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद टी ट्वेंटी में किसी दिन भी कोई भी टीम में कोई भी प्लेयर मैच जिता सकता है, और उस टीम में प्लेयर ऐसे हैं कि उनको जिनकी स्टैंडिंग है टी ट्वेंटी क्रिकेट के अंदर जी कोई भी जितवा सकता है। तो ये कहते ना कि बिल्कुल ही राइट ऑफ करते नहीं, बट हाँ पेपर पर अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए या टीम देखा जाए तो अभी तक क्योंकि उनकी जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, मैनेजर कोचिंग हो या ओनर हो, वो ही हर साल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, प्लेयर भी इस चीज़ की वजह से, इस अनसर्टेनिटी की वजह से डिलीवर नहीं कर पाते सही तरह परफॉर्मेंस, तो वो यही वजह है मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा अपने प्लान्स को पेस चेक करना होगा ओनर्स को स्पेशली, और ओनर से क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा नहीं है मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का, तो अथॉरिटी देनी पड़ेगी अपने स्पोर्ट्स स्टाफों को उसको, ताकि उनसे फिर बाद में क्वेश्चन किया जाए कि बताना चाहते हैं उनकी परफॉर्मेंस। उन्होंने वही नहीं किया जाना जेम्स रेस को भी लिया है, राइली रॉसो भी साउथ अफ्रीका वो भी उनके साथ हैं, फिर उनका सुहेल तंदीर जो है वो टी ट्वेंटी स्पेशलिस्ट है, उनका शाहिद आफरीदी जो स्पेशलिस्ट है वो कितने मैचेस खेलते ये भी देखना होगा। उन्होंने अभी तक कप्तान एस जब तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक कप्तान का नाम कोई नहीं किया, सुनने में आ रहा है कि शान मसूद उनके कप्तान होंगे, ये सब चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं जबकि टूर्नामेंट के आगाज में एक महीने से इनकम का वक्त रह गया। हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, एक बार में बात है कोई चीज़ क्लिक होने वाली होती है ऑन द सेम डे, फर्स्ट मैच में अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाती है क्लिक कर जाती है ना, नेक्स्ट कॉन्फिडेंस गेन कर लेगी, और बिल्कुल इसका ऑल्टरनेट भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ना चले वो बिल्कुल ना, कप्तान ना अनाउंस करना भी मैं समझता हूँ कि एक अनसर्टिनिटी है टीम के अंदर, कप्तान अनाउंस करना चाहिए ताकि लोगों को पता हो मेरा कप्तान कौन होगा टूर्नामेंट के अंदर, और टूर्नामेंट में एक महीने से भी कम दिन रहे, तो मेरा ख्याल है कि दे शुड कम अप विद अ क्लियर स्ट्रेटजी, और ताकि उनके जो प्लेयर्स का मैसेज है वो बड़ा क्लियर रहे। निशा साहब आपकी क्या राय?